हेलो बच्चे, मम्मी की कहानियाँ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक आदमी अपने गधे और कुत्ते के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में वह थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। कुत्ते और गधे को बहुत जोर से भूख लगी थी। गधा तो हरी भरी घास खाने लगा, पर कुत्ते के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुत्ते ने गधे से कहा, मित्र मुझे भी बहुत भूख लगी है, तुम्हारे ऊपर जो झोला है उसमें से रोटी निकाल के मुझे दे दो। गधे ने कहा, नहीं नहीं, जब मालिक जाग जाएगा तब उससे रोटी मांग लेना, मैं उनसे पूछे बिना झोला नहीं खोल सकता। कुत्ते को भूख सहन नहीं हो रही थी। कुत्ते ने कहा, मैं मालिक के जगने का इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे रोटी दे दो। गधे ने कुत्ते की बात नहीं सुनी और सोने की तैयारी करने लगा। तभी उसे पेड़ के पीछे एक भेड़िया दिखा। भेड़िए की नज़र गधे पर थी और गधा भाग नहीं सकता था क्योंकि उसकी पीठ पर बोझ था। गधे ने कुत्ते से याचना की, प्रिय मित्र, भेड़िया मुझे मारने की कोशिश में लगा है, जोर से भौंकता ताकि वह भाग जाए। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं मालिक से पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करूँगा, वह जब जाग जाएंगे तब तुम्हें बचा लेंगे। गधे की अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उसने कुत्ते से माफ़ी मांगी। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा जिससे मालिक की आँख खुल गई और उसने देखा कि भेड़िया भाग गया है। मालिक ने झोला खोलकर कुत्ते को रोटी दी और फिर सब खुशी खुशी अपने रास्ते चलने लगे। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।